यूकेरियोटिक सेमी स्ट्रक्चर। All cells are dendrites or coverings in animal that is known as the plasma membrane, जो कि कोशिका द्रव्य और साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल को निहित रखती है और सेल को एक आकार देती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग है सेल की, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन निहित रहते हैं पाए जाते हैं। दे आइसोलेट साइटोप्लाज्मा फ्रॉम एनवायरमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका द्रव्य को बाहरी वातावरण से अलग करती है। ये डिफरेंशिएट बिटवीन साइटोप्लाज्मा एंड एनवायरमेंट एंड रेगुलेट मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इट वर्क एज ए गार्ड, सो इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ द सेल। इंटरेक्ट विद अदर सेल एंड एनवायरमेंट, ये दूसरी सेल से और बाह्य वातावरण से इंटरेक्ट करने का, जोड़ने का काम करती है। यूकेरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, अनदर दूसरे जो स्ट्रक्चर हैं, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस। डीएनए जो न्यूक्लियस और केंद्रक में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, साइटोसोल जो लिपिड पार्ट है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य वो है वाटर, पानी, सॉल्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिक मोनोमर्स, मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एकलक और बहुलक के रूप में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिल्स देयर आर द एनिमल सेल, यू कैन से हियर ब्यूटीफुल एनिमल सेल। There are different organelles are present in animal cell, and it is the plant cell. There is a lot of difference between animal and plant cells. You can see the beautiful kendrak or nucleus in animal as well as plant cell. Here is the endoplasmic reticle or antaprajaviya jalika, Golgi material, mitochondria, सेंट्रियोल्स, क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस केंद्रिकाएं, वेक्यूल और रिक्तिकाएं, राइबोसोम्स, चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर प्लांट है तो सेल वॉल, साइटोस्केलेटन, कोशिका कंकाल बना हुआ है प्रोटीन फाइबर का, ये काम करता है सेल को शेप देने का। जैसे मकान में आरसीसी, वैसे ही साइटोस्केलेटन के अंदर प्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं जो कोशिका को सेल शेप देते हैं, नेटवर्क का काम करते हैं। सेल मूवमेंट, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स, अमीबॉइड मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रेक्शन, सेल माइग्रेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये सभी मूवमेंट, तीन तरह के मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है, अमीबॉइड मूवमेंट हो सकता है और सेल का माइग्रेशन हो सकता है। ऑर्गेनिक मूवमेंट कैसे होता है, साइक्लोसिस, घुमाव, कोशिका द्रव्य या कोशिका के अंदर पाने वाले पदार्थों का चक्कर सेल के अंदर घूमते हैं एंड कभी सेल के अंदर और कभी सेल की बाहर की तरफ। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, द साइटोस्केलेटन, हियर यू कैन सी द जस्ट लाइक द आरसीसी वायर्स, सेल हैज द साइटोस्केलेटन, सो इट गिव्स द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेंथ, ये शक्ति और कोशिका को आधारभूत संरचना को स्तंभ देने का कार्य करते हैं। दीज आर नोन एज द माइक्रोफिलामेंट, इनको माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं।
इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बीच बीच में जो दूसरे फिलामेंट्स पाए जाते हैं माइक्रो फिलामेंट्स में, जिनको अंतर मध्य फिलामेंट कहा जाता है, दे आर माइक्रो ट्यूबुल्स। ये इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्योंकि बहुत सूक्ष्म होती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज माइक्रो ट्यूबुल्स, और खोखली होती है, दैट इनके अंदर सहन के लिए जगह पाई जाती है और ये बारीक होती है। माइक्रोफिलामेंट्स कई अलग घटकों को जुड़ने से निर्माण करते हैं, एंड आउटर इन द आउटर फॉर्म इट लुक लाइक इस तरह से दिखाई देते हैं, पर इनको अगर और डिटेल में देखें तो ये कई अलग यूनिट को जुड़ के इनका निर्माण होता है। दे आर कंस्टिट्यूट द यूनिट दैट इज नोन एज द 18 सब यूनिट्स। इंटरफेज मीडिएट फिलामेंट्स कई फिलामेंट्स के जुड़ने से बनते हैं, एंड माइक्रोट्यूबुल्स कई मोनोमर यूनिट के सर्पिलन कुंडलन से और ट्विस्टिंग ऑफ द मोमेंट दे फॉर्म द माइक्रोट्यूबुल्स। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो होता है माइक्रोट्यूबुल के अंदर, जिससे ये मोनोमर यूनिट है, दैट इज नोन एज द ट्यूब्यूलिन। सीलिया एंड फ्लैजेला, these are the tubular extension of the plasma membrane। ये ट्यूब की तरह एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इनका कारण काम है मूवमेंट ऑफ फ्लूड और लोकोमोशन, किसी भी तरह का गमन और फ्लूड का लिक्विड का मूवमेंट। टू फंक्शनली डिफरेंट है, कई डिफरेंट फंक्शन होते हैं। सीरिया दे आर नंबर, कई नंबर में होते हैं, दे आर द पेडल लाइक और एक साथ कार्य करते हैं सिंक्रोनाइज फॉर्म में। फ्लैजेला दे आर लॉन्गर, सीलिया फ्लैजेला में सीलिया बहुत सारे नंबर होते हैं, फ्लैजेला कम होते हैं और लंबे होते हैं, और इनका फीप या चाबुक की तरह इनका आकार होता है। फिल्ड विद माइक्रोट्यूबुल्स से भरे रहते हैं। दे हैव द 9 पेयर ऑफ द पेरिफेरी एंड 2 सिंगल इन सेंटर। जब हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि 9+2 अरेंजमेंट इनमें माइक्रोट्यूबुल्स के अंदर पाया जाता है। Here you see 9+2, जैसे पहिए के अंदर स्पोक्स या ताणियाँ लगी रहती है जिससे पहिए का आकार मेंटेन रहता है। Here you can see central स्पोक, ये बाहर से देखें तो एक राउंड सर्कल के रूप में रहता है, पर इसका अंदर और फर्दर डिटेल देखें तो देर आर द 2 यूनिट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स एंड देर आर 9+2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हियर इज द 9+2 अरेंजमेंट इन द सीलिया एंड फ्लैजेला। व्हेन यू कट दिस अनुप्रस्थ काट काटेंगे तब यू कैन सी द दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट इन सीलिया एंड फ्लैजेला। हियर स्ट्रक्चर सीन इन द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सो हियर यू कैन सी 9+2 अरेंजमेंट। इसके बाहर एक जो शीट पाई जाती है वो इस तरह की शीट होती है। ये बाहर की सेल मेम्ब्रेन किसी भी फ्लैजेलम की, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये आपने देखा कि आरसीसी के वायर की तरह एक एक ट्यूब्यूल माइक्रो ट्यूब्यूल जो डबल होती है, ये डबल माइक्रो ट्यूब्यूल, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये डबल माइक्रो ट्यूब्यूल्स, तो ये यहाँ पर एक पूरी और एक इसके साथ जुड़ी रहती है, दैट इज माइक्रो ट्यूब्यूल, और ये 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स एक फ्लैजेलम में, और ये बाहर से आच्छादित रहती है, कवर रहती है सेल मेम्ब्रेन से। ये आपस में जुड़े रहते हैं जिस आर्म्स से, उसको डायनिन आर्म्स कहते हैं। बीच के अंदर इनमें सेंट्रल सिंगल ये शाफ्ट पाई जाती है, जो सिंगल वन
ये जहाँ पर जाकर सेल मेम्ब्रेन में जुड़ती है बेसल बॉडी से, उस बेसल बॉडी का आकार माइक्रोट्यूबल्स को कट करेंगे, अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो इस तरह से दिखाई देता है। एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ फ्लैजेला, ये सेंट्रियोल से बेस से जुड़ा हुआ है, ये ऊपर की तरफ फ्री है और यहाँ सभी जगह वाटर या साइटोसोल्स है। ये इस तरह से कॉर्कस के मूवमेंट इसके अंदर पाया जाता है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, ये इस तरह से मूवमेंट होता है, खड़े होता है, ट्विस्ट होता है, वापस अपनी जगह पर आ जाता है। न्यूक्लियस या केंद्रक, सेल कंट्रोल एंड जेनेटिक्स मस्तिष्क की तरह या कंट्रोलिंग सेंटर है, सारे जेनेटिक मटेरियल इसी के अंदर निहित रहते हैं। जीन्स ए थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स एक थ्रेड के ऊपर जो कुंडन हो उस तरह से निहित रहते हैं। एंड ये सभी तरह के प्रोटीन को निर्माण कर यहीं से न्यूक्लियस से कंट्रोल रहता है। बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप, इसके ऊपर जो आच्छादन पाया जाता है उसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ये डबल लिपिड लेयर का होता है, डबल लेयर का बना होता है एंड इसके अंदर पोर्स या छिद्र पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर सेंटर में पाया जाता है सेल के, पर जरूरी नहीं कि हमेशा सेल के सेंटर में पाया जाए। हियर यू कैन सी द डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हियर आर द पोर्स, दे आर नोन एज द न्यूक्लियर पोर्स एंड दीज आर द न्यूक्लियर एनवेलप। जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो वो इस तरह से दिखाई देता है, ये कट आउट और ये न्यूक्लियस, ये सारा अंदर क्रोमेटिन फाइबर जिसके ऊपर बीडेड फॉर्म में डीएनए पाया जाता है और जीन डीएनए जीन्स की सीक्वेंस एक लीनियर सीक्वेंस के रूप में इसमें पाई जाती है। पीजा न्यूक्लियर क्रोमेटिन थ्रेड और क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस और केंद्रिका पार्ट, फंक्शन क्या है न्यूक्लियस के, क्रोमेटिन मटेरियल जो डीएनए रखता है सब जीन, जेनेटिक मटेरियल जो सभी तरह का कॉइल क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए कॉइल रहता है प्रोटीन के साथ में जिसको स्ट्रोन कहते हैं और ये एक लीनियर क्रोमोसोम्स के रूप में निहित रहता है। कंटेन न्यूक्लियस ऑफ आरएनए, इसके अंदर न्यूक्लियस केंद्रिकाएं पाई जाती है जो आरएनए रखता है। आरएनए साइट ऑफ द राइबोसोम असेंबली, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम जुड़ते हैं बनते हैं। हियर यू कैन से द ओरिजिनल फ्री डीएनए स्कैन के रूप में न्यूक्लियस का रियल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर पोर, क्रोमोसोम्स, ये क्लियर कट ब्लू डार्क कलर के अंदर क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स पतले थ्रेड के रूप में। हियर यू कैन सी द न्यूक्लियस, हियर न्यूक्लियोलाई केंद्रिका है एंड दीज आर क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण इन्हीं राइबोसोम्स से होता है, ये डार्क ग्रेन होता है और स्मॉल सर्कल डॉम के रूप में पाए जाते हैं। हियर यू कैन सी द ब्यूटीफुल राइबोसोम्स इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये फोल्डेड मेम्ब्रेन है अटैच टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अटैच रहती है, फोल्ड रहती है। ये रफ अगर एंडोप्लाज्मिक खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसका काम है प्रोटीन सेपरेशन का, प्रोटीन सिंथेसिस का, राइबोसोम चेन अमीनो एसिड विथ इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, राइबोसोम अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं जो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। राइबोसोम एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भारी सतह पर पाए जाते हैं, कंपोज ऑफ द आर आर एन ए प्रोटीन, राइबोसोम और आर एन ए प्रोटीन के बने होते हैं।
किडनी अंतःप्रदेश में जाने का काम है लिपिड का संश्लेषण, खुरदरी का है प्रोटीन और चिकनी का है लिपिड। हियर यू कैन सी द ब्यूटीफुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदेशी जालिका, दिस इज द यूनिट मेम्ब्रेन। हियर यू कैन सी द खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर बाहर की तरफ राइबोसोम्स जुड़े रहते हैं और इनके बाहरी तरफ से इनमें विलयन के द्वारा वेसिकल्स बनती है जो समय समय पर इनसे अलग होती रहती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनल स्ट्रक्चर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हियर यू कैन सी द प्रोटीन एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ, देयर इज नो प्रोटीन ऑन सरफेस, नो राइबोसोम्स ऑन द सरफेस। हियर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी एपरेटस, गोल्जीकाय, प्रोसेस मटेरियल सिंथेसाइज बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रत्यय जालिका द्वारा जो मटेरियल बनाया गया है उसका प्रोसेसिंग का कार्य करती है, उनको पैक करके और एड्रेस, जैसे किसी भी डाक को हमें कहीं पहुंचाना होता है उस पर एड्रेस लिखना पड़ता है, इसी तरह से गोल्गी एपरेटस का कार्य है कि वो मटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाया है वो सेल के अंदर कोशिका में कहाँ जाएगा उसको मार्क करती है और उस जगह पहुँचाने का कार्य करती है जहाँ के लिए वो बना है। डिस्ट्रीब्यूटेड मटेरियल इन द सेक्स कॉल्ड द वेसिकल्स, ऊपर विलयन के द्वारा छोटे छोटे जो सेक्स बनते हैं वैक्यूल बनती है उसी के द्वारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मटेरियल बनाया है सेल के लिए उनको गतवनीय स्थान पर डेस्टाइन प्लेस पर पहुंचाने का कार्य करती है। सम फ्रॉम इनसाइड एंड अदर आउटसाइड, कुछ मटेरियल सेल के अंदर और कुछ मटेरियल सेल के बाहर पहुंचाने का कार्य करती है। दीज आर द सिक्रेटरी वेसिकल, स्रावण का कार्य कर है इसका और ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। इनका कार्य सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स का संश्लेषण और उसको अपने स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। हियर इज अ ब्यूटीफुल गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देयर आर द सिस एंड द ट्रांसपोर्ट, यू कैन सी द वेसिकल्स आर बड़ी, यहाँ से वेसिकल्स टूट टूट कर जगह जगह पर सेल के अंदर बिखर रही है जा रही है और इससे सेल के अंदर और सेल के बाहर जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना था उनका अपनी जगह पर पहुँचना और वहाँ पर कार्य में आना, ये सभी काम गोल्गी कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विलयन के द्वारा छोटी छोटी वेसिकल्स आकर इससे जुड़ती है जिसमें मटेरियल पाया जाता है, ये यहाँ पर जुड़ता है, यहाँ पर प्रोसेस होता है सिस फेज से ट्रांस फेज तक, इसके अंदर पूरा प्रोसेसिंग होता है और यहाँ से सेल के अंदर डिफरेंट प्लेस पे अंदर और बाहर सामान को और जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है उसको पहुँचाने का कार्य किया जाता है। मटेरियल डेस्टाइन फॉर द एक्सपोर्ट, बाहर जाने के लिए यहाँ पर तैयार है। दिस हियर इज द रियल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। लाइसोसोम प्रोड्यूस बाय द गोल्गी ऑपरेटर्स, गोल्गी ऑपरेटर्स से बनते हैं लाइसोसोम। वेसिकल्स कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उनका कार्य है विक्टन का। ये जैसे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वैसे सेल में लाइसोसोम डाइजेशन का कार्य करते हैं, पाचन का कार्य करते हैं। ये अपने आप से जिस भी सेल पार्ट को जिस भी मटेरियल को डाइजेस्ट करना होता है उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं और उनका विघटन कर देते हैं। डाइजेस्ट एंड रिसाइकल डैमेज ऑर्गेनिज्म, जितनी भी दूसरी ऑर्गेनिज्म से कोशिकाएं हैं कोशिका भी का
उन सबको जो डैमेज हो गई है उनको अपने साथ जोड़कर उनका पाचन कर लेते हैं. हियर यू कैन सी एनी बैक्टीरिया कमिंग इनसाइड एंड एनी अदर मटेरियल विच इज कमिंग एंड आर द डैमेज. जो डैमेज है और घातक है वो ये वेसिकल्स जिनको कि लाइसोसोम्स कहते हैं, ये जुड़ जाती है. ये प्राइमरी लाइसोसोम्स और जब ये सेल की खुद की देयर आर द टू टाइप ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम्स, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. ये अपने आप से जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद में द्वितीयक लाइसोसोम्स बनाते हैं और ये समय समय पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़कर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ गया और यहाँ से मटेरियल को जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, क्योंकि इसका काम पाचन का है, सेल में इनका रोल पाचन का है, ये सेल के द्वारा पाचन करके जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको सेल से बाहर निकालने का कार्य करते हैं. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी, यहाँ से वेसिकल्स निकली, ये गोल्गी पे जुड़ी, दिस इज द गोल्गी एंड दिस इज एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो बाहर जाने के लिए तैयार है. ये वेसिकल, लाइसोसोम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इनका कार्य है किडनी के समान, जैसे शरीर में किडनी फिल्टर का काम और खराब मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी वही कार्य करती है. इसके अंदर ड्रॉन वाटर इन द साइटोप्लाज्म एंड एक्सपेल इट, कोशिका द्रव्य से पानी को इकट्ठा करके सेल से बाहर निकालने का कार्य करती है. एंड इम्पोर्ट सम सिंगल सेल फ्रेश वाटर एनिमल, ये सिंगल सेल जो फ्रेश वाटर एनिमल है उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है. इट रिक्वायर्स एटीपी, इसको सभी कार्य करने के लिए, सेल की सभी कोशिकाओं को कार्य करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है. हियर यू कैन सी द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ब्यूटिफुल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सपांडेड विथ वाटर. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर जब पानी आ गया तो ये एक्सपांड हो गई, इतनी बड़ी हो गई एंड जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल के जुड़ती है तो बर्स्ट हो जाती है और इससे पानी बाहर निकल जाता है, वापस अपने नॉर्मल आकार में या दोबारा काम में नहीं आती, नई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाती है. सेंट्रल वैक्यूल लार्ज होती है जिसके अंदर पानी भरा रहता है, ये अपने आकार का 90% तक इंक्रीज कर सकती है. ये सिंगल मेम्ब्रेन बाय टोनोप्लास्ट से जुड़ी रहती है, फंक्शन है इसका. स्टोरेज ऑफ पिगमेंट, एसिड, सॉल्ट और वेस्ट सभी को अपने अंदर निहित रखती है. सेल प्रेशर को मेंटेन रखती है सेल के, प्लांट सेल के अंदर इतनी बड़ी वैक्यूल सेल वॉल एंड वैक्यूल और टोनोप्लास्ट और ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का. कई होते नंबर में कई होता है, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का सारा प्रोसेसिंग इसी में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है. इसके अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको मैट्रिक्स और क्रिस्टी कहते हैं. इसके अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है जिसको अपना आप ही इनमें रेप्लिकेट